कहानी की शुरुआत में हम हिडियो सुजुकी नाम के एक मांगा आर्टिस्ट को देखते हैं। जापान में एक सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट बनना बहुत से लोगों का सपना होता है। जब वो रात को काम से घर लौटा तो उसकी गर्लफ्रेंड टेको उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने कुछ देर टीवी देखा और फिर वो ड्रॉ करने बैठ गया, लेकिन मोटिवेशन आ ही नहीं रही थी तो उसने अपनी अलमारी से एक बंदूक निकाली और उसे पकड़कर शीशे के सामने खड़ा हो गया। सुबह जब सुजुकी अपने पब्लिशर को उसका आइडिया दिखा रहा था तो चारों तरफ लोग खांस रहे थे, मानो हर कोई एक साथ बीमार हो गया हो। पब्लिशर ने सुजुकी से कहा, मसाला कहाँ है? इतना नॉर्मल क्यों है सब इसमें? अगली बार कुछ अच्छा काम लेकर आना। चलो। ऑफिस में काम करते हुए उन्होंने न्यूज पर देखा कि एक अनजान इन्फेक्शन तेजी से लोगों में फैल रहा है, जिससे अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। थोड़ी देर बाद सुजुकी को टेको का फोन आया। वो उससे बात करता हुआ बाहर बालकनी में चला गया। उसने देखा कि कुछ हेलीकॉप्टर शहर की ओर जा रहे थे, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। सुबह वो टेको का मनपसंद नाश्ता पैक करवा के फ्लैट पर पहुंचा। जब उसके जोर जोर से दरवाजा खड़काने पर भी टेको ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो लेटर होल से अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि टेको का शरीर बहुत अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे वो किसी भूतिया फिल्म की चुड़ैल हो। वो अचानक दरवाजे की तरफ भागी और उस पर हमला कर दिया। उसने देखा कि टेको का चेहरा बहुत अजीब हो गया था, वो उसकी हथेली पर काट लेती है। खुद को बचाने के लिए सुजुकी ने टेको का सर एक नुकीली ट्रॉफी में दे मारा और जल्दी से वहां से निकल गया। रास्ते में वो देखता है कि बहुत सारे हवाई जहाज कहीं जा रहे थे। जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसने अपने एक सहकर्मी को हाथ में एक खून से सना बेसबॉल बैट लेकर खड़े हुए देखा। पता चला कि उसकी टीम के बाकी सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे और खुद को बचाने के लिए उसे उन्हें मारना पड़ा। उसने सुजुकी को बताया कि ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए उनके सर को उड़ाना जरूरी है और जिसको भी ज़ॉम्बी काट ले वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसके सहकर्मी को भी लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इससे पहले कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाए, उसने खुद को मार देने का फैसला लिया। जब सुजुकी की एक और ज़ॉम्बी कलीग वहां पर आई तो वो जल्दी से वहां से निकल गया। सड़क पर ज्यादातर लोग इस वायरस से अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि उनके बीच आदमखोर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। सुजुकी एक पुलिस वाले के पास गया, लेकिन वो भी एक ज़ॉम्बी निकला। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगी। इस सब के बीच सुजुकी को एक टैक्सी दिखाई दी, जिसका ड्राइवर अंदर घोड़े बेच के सो रहा था। हिरोमी नाम की एक लड़की उसके पास आई, वो भी टैक्सी में जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन इतने में एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगा। सुजुकी ने इमेजिन किया कि उसने बैग से बंदूक निकाली और बम, लेकिन ये सब उसके दिमाग में था। असल में तो भैया चुटकी बजाकर ज़ॉम्बी को मार रहे थे। मतलब कमाल। अचानक सूट बूट पहने एक आदमी आया और टैक्सी में घुसने की कोशिश करने लगा। उनकी दरवाजे पीटने की आवाज से ड्राइवर उठा और वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकले। थोड़ी देर बाद वो सूट बूट वाला आदमी फोन पर किसी को कहता है कि सबको मार दो, अगर इन्फेक्टेड है तो प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दो। फोन कटने के बाद हमने देखा कि उसके हाथ पर काटे जाने का निशान था। जल्द ही उसकी नसें काली पड़ने लगी, वो एक ज़ॉम्बी में बदलने लगा। उसने ड्राइवर से एक टिश्यू मांगा, लेकिन मौका देखकर उसने ड्राइवर के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। सुजुकी ने किसी तरह उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। सबने सुकून की सांस ली, लेकिन तभी ड्राइवर के गले की नसें भी काली पड़नी शुरू हो गई। वो अचानक गुस्से में एक पागल आदमी की तरह गाड़ी चलाने लगा। सुजुकी ने हिरोमी को पिछली सीट पर खींच लिया ताकि ड्राइवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। वो दोनों अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं क्योंकि ड्राइवर बेकाबू होकर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। जल्द ही उनका एक दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। जब सुजुकी की आंखें खुली तो उसने देखा कि कार रोड पर उल्टी पड़ी थी। जब वो दोनों कार से निकले तो उन्होंने देखा कि ढेर सारी गाड़ियों के एक दूसरे से टकराने की वजह से वो पूरा रोड जाम हो गया था। वहां दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। वो दोनों सड़क किनारे बैठकर इंटरनेट पर इस सब के बारे में सर्च करने लगे। इस वायरस को ZQN नाम दिया गया था। उन्होंने पढ़ा कि वायरस का असर खत्म हो जाएगा अगर वो माउंट फीजी पर चढ़ जाएं। इससे पहले कि वो इसके बारे में और पढ़ पाते, फोन की बैटरी खत्म हो गई। उन्होंने एक वीरान पड़े घर में रात गुजारी। सुजुकी ने अपने बैग से मेलन ब्रेड निकाली जो वो टेको के लिए लाया था। खाना खाते समय वो दोनों सुजुकी की बंदूक के बारे में बात करते हैं। उसने कहा कि मैंने शहर में बंदूक इसलिए नहीं निकाली क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो थोड़ा सा फट्टू है। हिरोमी ने उसे बताया कि जैसे वो अपनी बंदूक को लकी मानता है, ठीक वैसे ही हिरोमी अपने ईयरफोन्स को। वो दोनों बैठकर गाने सुनने लगे। बातों बातों में हिरोमी ने उसे बताया कि वो उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है। अगले दिन जब सुजुकी नींद से उठा, वो उसके कंधे पर सर रखकर सो रही हिरोमी को निहारता है। तभी उसका ध्यान हिरोमी की गर्दन पर मौजूद काटने के निशान पर गया। वो फट से खड़ा हुआ और उस पर बंदूक तान दी। हिरोमी ने बताया कि उसके पड़ोसी के बच्चे ने 2 दिन पहले उसे काटा था, और क्योंकि ये वायरस एक माँ के दूध से भी फैलता है,
तो ये मुमकिन है कि वो भी इन्फेक्टेड हो। उसने सुजुकी को उसे मारने को कहा क्योंकि वैसे भी अब इस दुनिया में उसके जीने की कोई वजह बाकी थी नहीं। सुजुकी ने बताया कि उसे भी उसकी गर्लफ्रेंड ने काटा था और वो हायरोमी की हिफाजत करेगा जब तक वो माउंट फीजी नहीं पहुंच जाते। थोड़ी देर बाद हायरोमी की तबीयत खराब होने लगी। उसने सुजुकी को अपने ईयरफोन्स दिए और वहां से जाने को कहा क्योंकि जॉम्बी बनकर वो उसे खाना नहीं चाहती। सुजुकी को थोड़ी दूर एक इंसान दिखाई दिया और वो भागते हुए उसके पास गया, लेकिन वो आदमी पहले से ही इन्फेक्टेड निकला। उसने सुजुकी पर हमला कर दिया और उसे मारने ही वाला था कि हायरोमी ने एन मौके पर वहां पहुंचकर उसकी जान बचाई। वो पूरी तरह से जॉम्बी नहीं बनी थी, लेकिन उसके अंदर उनकी सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ जरूर आ गई थी। वो सुजुकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आधी जॉम्बी बनने के बाद से हायरोमी ने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि सुजुकी को हायरोमी से कोई खतरा महसूस नहीं होता, तो वो दोनों साथ ही अपने सफर को जारी रखते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुजुकी को सड़क पर एक शॉपिंग कार्ट मिला। उसे उसमें खाना तो नहीं मिला, लेकिन वो सो रही हायरोमी को उसमें बैठा कर फ्यूजी आउटलेट पार्क की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पूरा आउटलेट एकदम खाली था। वो एक स्टोर में कुछ जैकेट्स ट्राई करने लगा कि तभी एक जॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। क्योंकि हायरोमी सो रही थी तो वो उसकी मदद भी नहीं कर पाती, लेकिन सुंगुमी ओडा नाम की एक लड़की ने उस जॉम्बी को कुल्हाड़ी से मार गिराया। जल्द ही वहां कुछ और इंसान भी आ गए। जॉम्बीज के हमला करने पर वो उन दोनों को अपने साथ आउटलेट की छत पर ले गए जहां सभी बचे हुए लोग रह रहे थे। वहां टेंट्स, किताबें, खाने के सामान से लेकर रोलेक्स की घड़ियों तक सब कुछ मौजूद था। सुजुकी सेफ जोन में ज्यादातर समय सुगुमी के साथ बिताता। सुगुमी उसे पसंद करने लगी थी क्योंकि उसे वो एक नेक दिल इंसान लगता है। अगले दिन सुजुकी ने हायरोमी से बात करने की कोशिश की, जिसे सुनकर वो मुस्कुराई, जो कि एक साइन था कि उसकी हालत पहले से बेहतर हो रही है। हम देखते हैं कि एक जॉम्बी ने तेजी से भागकर लंबी छलांग लगाई और सर के बल जमीन पर गिरा। इसके बाद सुजुकी एक मीटिंग में गया जहां सब लोग प्लान बना रहे थे बेसमेंट में रखे खाने तक पहुंचने का। उसके लिए उन्होंने सुजुकी से उसकी बंदूक मांगी और उनके लीडर यूरा ने कहा कि अगर वो नहीं माना तो वो हायरोमी को मार देंगे। इस दौरान कुछ लोग हायरोमी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुगामी ने उन्हें रोका। सुजुकी को कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था, तो वो हड़बड़ाहट में मीटिंग छोड़कर हायरोमी के टेंट की तरफ भागा। उसने देखा कि यूरा के कुछ लोगों ने सुगामी और हायरोमी को बंदी बना रखा था। सुजुकी यूरा पर बंदूक तान कर कहता है कि अगर उसने उन दोनों को नहीं छोड़ा तो वो उसे गोली मार देगा। हायरोमी ने उसे पकड़ने वाले दोनों आदमियों को बड़ी ही आसानी से धरती पर पटक दिया, जिससे सबको पता चल गया कि वो भी इन्फेक्टेड है। लेकिन उसकी आंख बाकी सबकी तरह काली नहीं थी, बल्कि उसमें हर तरह के रंग थे। पर यूरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने हायरोमी के सर पर तीर मार दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने सुजुकी की बंदूक उससे छीन ली और उसे पूरी तरह से पीटा। जल्द ही वो सब इस बात पर लड़ने लगे कि आखिर उसे मारेगा कौन। एक दूसरा आदमी यूरा की जगह खुद को लीडर घोषित कर देता है। वो सुजुकी को जिंदा छोड़ देते हैं। वो बाहर आकर सुगामी से मिला, जो हायरोमी के टेंट के सामने बैठी थी। उसने एक और साथी की मदद से हायरोमी को छुपा दिया था, जो अब भी जिंदा थी। सुगामी ने सुजुकी को बताया कि हायरोमी बाकी इन्फेक्टेड लोगों से अलग है क्योंकि उसके दिल की धड़कन अब तक चल रही है। सुजुकी इस बात से बहुत दुखी था कि वो यूरा पर गोली नहीं चला पाया और अपनी बंदूक तक खो दी। वो खुद को एक कायर, डरपोक और हारा हुआ इंसान बुलाता है, लेकिन सुगामी ने उसे समझाते हुए कहा कि वो सिर्फ एक अच्छा इंसान है जो आसानी से किसी को मार नहीं सकता। उसने सुगामी से हायरोमी का ध्यान रखने को कहा क्योंकि उसे बाकी सबके साथ बेसमेंट में फूड सप्लाईज लेने जाना होगा। कुछ लोग शोर मचाकर जॉम्बीज का ध्यान छत की तरफ बटोरते हैं, जबकि बाकी सब बेसमेंट की ओर गए। बिल्डिंग के अंदर घोर अंधेरा था। जब वो रास्ता खोज रहे थे तो कोई लाइट्स ऑन कर देता है। उन्होंने स्टोरेज रूम को ढूंढ लिया, लेकिन वो क्या जानते थे कि कोई सिक्योरिटी कैमरा से उन पर नजर रखे हुए है। जब वो खाने का सामान बटोर रहे थे तो उसी आदमी ने दुकान का म्यूजिक चालू कर दिया। जल्द ही एक जॉम्बी उनमें से एक पर हमला कर देता है। वो जॉम्बी और इंसान दोनों को एक साथ गोली मार देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि पूरी पार्किंग जॉम्बी से भरी पड़ी थी। उनकी बेकार स्ट्रेटजीज की वजह से ज्यादातर लोगों को जॉम्बीज मार देते हैं। जो इंसान उन्हें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यूरा है। इस सब में सुजुकी ने एक लॉकर में छिपकर अपनी जान बचाई। वो जॉम्बी जो कुछ दिन पहले सर के बल गिरा था, अपने आप को तैयार करता है एक सबसे ऊंची छलांग के लिए। वो आउटलेट की तरफ तेजी से भागा और अपनी पूरी जान लगाकर छलांग लगाई। वो छत के ऊपर एक टेंट पर गिरा। जल्द ही वहां मौजूद एक लड़की ने उसे देखा। जॉम्बी उसे मारकर खा गया। उसने जल्द ही एक और लड़की पर हमला किया और बेरहमी से उसकी भी हत्या कर दी। यूरा ने एक पास की डालकर आउटलेट के सभी दरवाजों को खोल दिया ताकि और जॉम्बीज अंदर आ जाएं। सुजुकी अभी भी उसी लॉकर में छिपा था जब उसने वॉकी टॉकी पर किसी को बोलते सुना कि एक जॉम्बी ने छत पर लगभग सभी लोगों को मार दिया है।
सुगामी ने वॉकी टॉकी पर एक डरी हुई मदद की गुहार लगाई क्योंकि वो छत पर ही आयरोमी के साथ छिपी थी। सुजुकी अपने दिमाग में वहां से निकलने के सिनेरियो बनाने लगा, लेकिन हर बार उसकी इमेजिनेशन में ज़ॉम्बीज उसे मार ही देते हैं। उसका डर उस पर पूरी तरह से हावी हो रहा था। उसने सुगामी को वॉकी टॉकी पर रोते हुए सुना। वो सोच लेता है कि जो गलती उसने हायरोमी की बारी में की थी वो उसे दोहराएगा नहीं। वो चिल्लाते हुए लॉकर से बाहर आया जब उस पर साइड से एक ज़ॉम्बी ने हमला किया जो उसके हाथ पर काट लेता है। लेकिन शुक्र है कि भैया अपने हाथ में 10 रोलेक्स की घड़ियां बांधकर घूम रहे थे, तो ज़ॉम्बी के दांत उसकी खाल तक पहुंच ही नहीं पाए। उसने वॉकी टॉकी पर सुगामी से कहा कि वो उन्हें बचाने आ रहा है, लेकिन सुगामी ने प्लान बनाया कि वो सब पार्किंग लॉट में मिलेंगे। इधर सुजुकी अपने शातिर दिमाग से ज़ॉम्बी से लड़ रहा था और उधर सुगामी हायरोमी को उठाए पार्किंग लॉट तक पहुंचने की कोशिश में लगी थी। वहां पहुंचने पर उसे युरा मिला जिसने उसे सुजुकी को छोड़कर उसके साथ चलने को कहा, पर उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। सुगामी हायरोमी को लेकर वहां से भागी। युरा उनका पीछा कर ही रहा था कि सुजुकी ने सही वक्त पर अपनी बंदूक के साथ एंट्री मारी और बूम, जल्द ही ज़ॉम्बीज का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे बचें। लेकिन तभी हायरोमी ने इन्फेक्टेड होने के बाद पहली बार अपना मुंह खोला। उसने सुजुकी से कहा कि वो उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है। उसके हौसले को बढ़ाने के लिए इतना काफी था। सुजुकी ने अपनी बंदूक उठाई और ज़ॉम्बीज के एक के बाद एक पट से हेडशॉट लेने लगा। आखिर में हायरोमी, सुजुकी और सुगामी ही बचे। एथलीट ज़ॉम्बी को छोड़कर बाकी सारे ज़ॉम्बीज मारे जा चुके थे। अब सिर्फ एक ही गोली बची थी। वो तेजी से सुजुकी की तरफ भागा, लेकिन उसने ऐन मौके पर उसका भेजा उड़ा दिया। पर क्योंकि उस ज़ॉम्बी का सर पहले से ही पिचका पड़ा था, वो फिर से उठ खड़ा हुआ और हायरोमी और सुगामी की ओर बढ़ा। लेकिन हमारे हीरो ने उसके मुंह पर बंदूक का बट घुमाकर मारा और उसके बचे खुचे दिमाग को भी उड़ा दिया। वो तीनों एक गाड़ी में वहां से सुरक्षित निकल गए। अगर तुम्हारे शहर में ज़ॉम्बी अटैक हो जाए तो तुम क्या करोगे? उनसे डरकर दूर भागोगे या फिर चीर दोगे, फाड़ दोगे, मार दोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।